व्हाट्स अप गाइस, आज हम देखने वाले हैं गदर 2 ने लगाई पाकिस्तान में आग। तो जो मूवी रिलीज हो चुकी है आप सबको पता ही है, और पहले दिन का बॉक्स ऑफिस काफी अच्छा, 40 से 50 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। तो देखते हैं कि वहां के पाकिस्तान के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, और इंडियन मीडिया लेटेस्ट चैनल से भाई की वीडियो मस्त रहती है, भाई की जो टिप्पणी रहेगी ना इसमें मजा आने वाला है। तो वीडियो कर दे लाइक, जिसने भी देखी गदर 2 बताना कैसी लगी। 1 2 3 गो। बहुत जुल्म कर लिए तुम लोगों ने हिंदुस्तान में, और उन अकलियतों के खाते में, खुसूसन जो 20 करोड़ आबादी की हामिल मुस्लिम अकलियत है उसको बकायदा निशाना बनाया जा रहा है। मुसलमान भाइयों पर हम उन्हें आजादी दिलाएंगे। कि हिंदुस्तान का अकलियतों पर जुल्म इस बात का सबूत है बकायदा। ओहो, अच्छा 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 अच्छा। गदर मूवी ने कहीं भूकंप मचाया हो या नहीं मचाया हो, लेकिन पाकिस्तान में जरूर मचा दिया। कैसे आजादी दिलाओगे तुम? और इस मूवी के एक डायलॉग ने पूरे पाकिस्तान में आग लगा रखी है। अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। यस! कटोरा 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 लेकर घूमोगे। मजबूरी है, मजबूरी बुरी बुरी है, मजबूरी है, मांग नहीं आ रही, मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी बुरी बुरी, भीख भी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं कि हमने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया है कटोरा लेके मांगने में, और आज ये पूरी दुनिया से कटोरा लेके भीख ही मांग रहा है। हमारे साथ आजाद होने वाला भारत हमसे आगे क्यों निकल गया? बांग्लादेश ने हमें क्यों पीछे छोड़ दिया? वो मुल्क जिन्हें हम कर्जा देते थे, आज हम उनके आगे झोली फैलाने पर आखिर क्यों मजबूर है? अब जबकि मुल्क कर्जों में बुरी तरह से जकड़ा हुआ है, और पिछले कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज लिया जा रहा है, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट। कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। और इसी डायलॉग से पाकिस्तान के सारे मदरसा छाप जाहिल तिलमिलाने लगे, बिलबिलाने लगे, और इन जाहिलों की जहालत फुल उरोज पे चली गई है। और आज मैं गारंटी लेता हूँ, अगर इन जाहिलों की जहालत देख के अगर आपको मजा ना आए तो सारे पैसे वापस। गदर की मूवी की टिकट मेरी तरफ से। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इससे आजादी दिलाओगे तो पाकिस्तान के बारे में कटोरा लेकर घूमोगे, हम लोग जाए यहाँ से कुछ भी करें तो हम लोग उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो खाली मूवीज वगैरह से तो ये सारा कुछ शो नहीं होता। क्यों? मदद तो तब आता कि जब ये आके बॉर्डर के पास हमारी फौज के साथ ये आके कॉन्टेक्ट करे उनसे, फिर जब जवाब लेंगे फिर मुँह की खानी पड़ती है इनको। ये सारा कुछ जो शो करते हैं सिर्फ मूवीज वगैरह में आने के लिए, क्या ये सिर्फ फिल्मों की हद तक होता है? गदर मूवी में भी इतना मजा नहीं आएगा जितना इन जाहिलों की जहालत देखने में आ रहा है। आलिम का कोर्स कर रहे हैं। अच्छा, ये देखें, आपको एक क्लिप दिखाता हूँ जिसमें इंडिया की मूवी है, और आप ये कैसे आजादी दिलाओगे तुम? ये कह रहे हैं कि अगर आज हम बॉर्डर खोलें या मौका मिले कि पाकिस्तान के मुसलमानों का, या मुसलमानों नहीं पाकिस्तानियों को मौका मिले, आधे से ज्यादा पाकिस्तानी वैसे ही जो है वो पाकिस्तान को छोड़ दें, क्या कहना चाहेंगे? ये तो उनकी गलत फहमी है, ठीक है, और ये मूवी की हद तक है। हाँ। ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी जो है, एक एक पाकिस्तानी है। जो है उसका ऐसा जज्बा है। हाँ। कि वो 1000 हिंदुस्तानी से एक पाकिस्तानी अकेला टकरा सकता है। ऐसा जज्बा है अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तानी भी हो मुसलमान भी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें ऐसा जज्बा दिया है कि एक मुसलमान 1000 हिंदुस्तानी से टकरा सकता है। उनका ये जज्बा जाहरी तौर पे वो नहीं कुछ भी कर सकते, अल्हम्दुलिल्लाह हम जाहरी तौर पे भी टकरा सकते हैं। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। नहीं, हमने अगर हिस्ट्री को देखें, इधर आ जाए, अगर हम हिस्ट्री को देखें, 4 जंगें हो चुकी और आपने बोला एक पाकिस्तानी 1000 हिंदुस्तानियों के बराबर है या इससे ज्यादा है। 4 जंगें हुई हैं जिसके अंदर कितनी हम जीते कितनी हारे आपको पता है? अल्हम्दुलिल्लाह जितना मेरे इलम में है, तो जितनी हमारी जंगें हुई हैं इसमें अक्सर में हम जीते हैं। चारों बॉर्डर चारों तरफ से खोल दिए जाएं और आजादी दे दी जाए कि पाकिस्तान के लोग जहां जाना चाहें जा सकते हैं। इंडिया में भी जाते हैं या नहीं जाते एक अलहदा मैटर है, लेकिन ईमानदारी से बताएं पाकिस्तान से बड़ी तादाद में लोग बाहर जाएंगे? जी, चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं है। ये चीजें क्या, ये इस चीज को भी नहीं मानते? नहीं, मैं इस चीज को मानता हूँ। पाकिस्तान के अंदर जिस चीज को होना चाहिए वो नहीं है, हमें ऐवें ही नफरतें पढ़ाते हैं। हाँ। हालांकि जिस चीज की हमें जरूरत है वो नहीं देते। चलो थोड़ा कुछ कर लो लाइफ में। यहाँ मुसलमान मुसलमान को मार रहे हैं, क्यों? भूख की वजह से मार रहे हैं। एक तरफ एक मिनट के लिए हम सोचें, बर्मा फलस्तीन की बात करते हैं, हिंदुस्तान की भी बात करते हैं, जी वहाँ पे जुल्म हो गया, ये हो गया,
वो तो फिर कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं जी वो नॉन मुस्लिम है ये कार्य। पाकिस्तान में जो लोग मर रहे हैं उन्हें कौन मार रहा है? पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी अटैक हो रहे हैं, खुद कुछ हमले हो रहे हैं, वो कौन कर रहा है? पाकिस्तान में जो आए दिन लोग अगवा किए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, वो कौन कर रहा है? वो भी नॉन मुस्लिम कर रहे हैं। नहीं, मुसलमान कर रहे हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मुसलमान कर रहे हैं और ये सब पैसे की खातिर हो रहा है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंडिया वाले एक दिन के लिए बॉर्डर खोलें या एक दिन के लिए इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर खोला जाए तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, मतलब लोग वहाँ चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल चले जाएंगे, काफी लोग इधर से चले गए हैं वो बाहर ममालिक में काम करने के लिए। यहाँ पे तो गरीब आदमी भूखा मर रहा है, आए दिन बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, ठीक है, महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिजली भी नहीं दे रहे हैं ना, ये लाइट दे रहे हैं ना, ये आटा देखे कितना किलो कर दिया, 140 रुपए, 60 रुपए किलो आटा था, चीनी देखे कितनी महंगी कर दी, घी कितना महंगा कर दिया। तो यार इससे अच्छा है एक ही दफा हम इंडिया को नहीं मारो, इसी आवाम को मारो और आवाम को खत्म कर दो। ऐसे खत्म हो जाएगा, हमें हिम्मत है खत्म करने की। ये एक्टरों को कंट्रोल करना चाहिए, एक्टरों को कि ये एक्टिंग नहीं, एक्टिंग करें बस, ठीक है। तो ये एक्टिंग ही कर रहे हैं, ये कौन सा जाति कर रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में बोल रहे हैं ये, ठीक है, ठीक है। हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई, ठीक है, हम वापस आए इस मुल्क के, ठीक है। लिहाजा जो एक्टर का काम है वो एक्टर को करना चाहिए। इसी मूवी में जो पाकिस्तानी का रोल कर रहे हैं, देखें दोनों साइड की उन्होंने बात मेरे ख्याल से किया। उन्होंने ये भी दिखाया है कि जो हम कहते हैं कि आप जो हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं हम आजाद करवा के रहेंगे, ये भी इसी मूवी में पाकिस्तान साइड से कहा गया है। पाकिस्तान का तो हक बनता है ना भाई, समझेगा पाकिस्तान का तो हक बनता है, कश्मीरी भाई है, ठीक है, ये जुल्म कर रहे हैं उनके साथ। उन्होंने आगे से जवाब ये दिया है ना, उन्होंने कहा कि अगर बॉर्डर खुलता है इंडिया पाकिस्तान का, उन्होंने तो कौन सा कहा कि हम खोल देंगे और मंगवा लेंगे, उन्होंने कहा अगर खुलता है तो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी वहाँ आ जाएंगे। नहीं पाकिस्तानी तो नहीं जाएंगे, ठीक है। अरे क्यों नहीं पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं मेरे भाई, इसी वीडियो में देखो तुम। सच बताएं बाहर जाना चाहते हैं? बाहर जाना चाहते हैं। आप बाहर जाना चाहते हैं? बाहर जाना चाहते हैं। देखें जी 70-80 साल का बुजुर्ग भी चाहे, ईमानदारी से बताएं बाहर जाना चाहते हैं या इधर ठीक है? नहीं बाहर ठीक है। बाहर जाना चाहते हैं? बाहर। ऐसे नावों में डूब के पाकिस्तानी नहीं मर रहे, कोई नहीं रहना चाहता भाई पाकिस्तान में, नरकिस्तान बन चुका ही है, आतंकिस्तान बन चुका है। सही बात है, सिखा रहे हैं ना, सिखा रहे हैं, इधर गुरुद्वारे में आ रहे हैं, हम वेलकम करते हैं, ये क्यों नहीं वेलकम करते हैं? क्या ये जब पाकिस्तान से कोई जाता है वेलकम नहीं करते? नहीं करते जी। आप कभी इंडिया गए हैं? नहीं मैं नहीं कभी। मैं ये जो गए हैं उनसे जो हमने जब पूछा तो वो यही कहते हैं कि भाई जब तो क्रिकेट टीम नहीं भेज रहे भाई। अच्छा क्रिकेट टीम नहीं भेज रहे, ठीक हो गया, तो दूसरे तो दूर की बात है ये। अच्छा एशिया कप हो रहा है ना, एशिया कप में क्रिकेट टीम नहीं भेज रही जी। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे जी, जो ये कहा गया है कि अगर आज इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर खोल दें तो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो इंडिया वापस चले जाएंगे? नहीं नहीं, जो पाकिस्तान में रहते हैं वो पाकिस्तान में रहेंगे, जो इंडिया के इंडिया वाले इंडिया में रहेंगे, ये ऐसी कोई बात नहीं कि इंडिया वाले पाकिस्तान वाले इंडिया चले जाएंगे, क्योंकि अपना मुल्क होता है। एक दूसरा सवाल कि अगर बॉर्डर खोल दिया जाए तो क्या इंडिया में जो मुसलमान है वो पाकिस्तान आएंगे? मे भी हो सकता है। अच्छा क्योंकि आज वो नहीं आएंगे, क्या वजह उसकी? वो उधर बिल्कुल सेट हैं इसलिए वो इधर नहीं आएंगे। उधर रोजगार के जो मौके हैं, बिजली का मैंने सुना है फ्री है, अब बहुत ज्यादा मौके उधर हैं, ठीक है। उनके उनपे जुल्म बहुत ज्यादा होता है उधर, वो सिर्फ एक अपना होता है, वो आदि हो चुके हैं वो लोग इस बात के, आदि हो चुके हैं, लेकिन वो आधे से आधे होने के बजाय वो डबल हो चुके हैं। आज आपको पता है मुसलमानों की तादाद वहाँ पे कितनी और कितनी तेजी से बढ़ रही है? बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन वो। और आप लोगों को क्या विचार है इन जाहिलों के बारे में, तो पहल दीजिए कमेंट सेक्शन में। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आप जाहिल जाहिल ही रहेंगे, ये नहीं सुधर सकते। इनसे ऑफ कैमरा पूछना, ऑफ कैमरा पूछोगे ना आधा पाकिस्तान खाली हो जाए, क्यों? उस पाकिस्तान में है क्या, उस पाकिस्तान में है क्या जिसकी ना सरकार टिकती ना उनकी आर्मी, उनकी खुद की आर्मी, उनकी मतलब उनके देश में कुछ दिक्कत होती है ना तो उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, कोई कुछ बोल दे तो। अरे वहां के पॉलिटिशियंस की इज्जत तक नहीं रही भैया, ये बताओ क्या है इज्जत है उस देश में? ऐसा है अगर जैसे अभी IMF ने लोन दे दिया, फिर चाइना वाइना से, मतलब वो ना मांग के ही चल सकता है। पता है मुझे लगता है ये कुछ दिन भीख मिलनी बंद होगी ना उस दिन, जैसे इनको एक किताब छाप के दी हुई है कि सारी जंगे ये जीते हैं ना, वैसे ही उस किताबों में लिखा हुआ है कि भारत के मुसलमानों पे होता है जुल्म। ये अपनी किताब अपना सिलेबस चेंज करवाओ भैया, तुम्हारा सिलेबस गलत आ रहा है ये। तभी तो मैं क्यों बोलती हूँ कुएं की मेंढक, इसीलिए तो बोलती हूँ गलत गोले पे प्रिंट हो रही तुम्हारी की खबरों से कोई मतलब नहीं है, जो आर्मी ने छाप के दे दी
मेरे को तो लग रहा है कि आर्मी है ना इनकी ब्रेन वॉश करते हैं हर साल बदल ब्रेन वॉश दे देती ब्रेन वॉश नहीं मतलब कि सीरियसली आप ये देखो कि जब आपको ये ही नहीं पता कि जितने भी जंगें लड़ी गई तो उनमें कौन जीता है तो तुम मान कह सकते हो कि तुम्हें सच बताया जा रहा है कि भारत में जुलम हो रहा है कि यार बड़ी बड़ी कंपनियों में जो इंडियन है उन्हीं को क्यों जगह देते भाई तुम्हारे फैक्ट्स क्लियर नहीं है तुम्हारी हिस्ट्री क्लियर नहीं है नॉलेज के नाम जनरल नॉलेज क्लियर नहीं हाँ फिर कहते हैं बताओ इंडिया के सब लोग बड़ी बड़ी पोस्ट पे क्यों है इन्हें कहते हैं कि नेक्स्ट लेवल सोच जिसकी मतलब कि कोई दूर दूर तक का सर पैर नहीं है सोच आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ बाय टेक केयर।